हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में आपको बीएससी बॉटनी के नोट्स मिलने वाले हैं, जिसमें हमारे पास आज के नोट्स हैं पेपर फर्स्ट डाइवर्सिटी एंड सिस्टमैटिक्स ऑफ सीड प्लांट जिम्नोस्पर्म का। जो आपका पेपर है उसकी यूनिट 3 है फॉसिल जिम्नोस्पर्म। अब ये आपका चैप्टर का नेम है फॉसिल जिम्नोस्पर्म, इसलिए जिस जिस यूनिवर्सिटी में ये चैप्टर बॉटनी के अंदर है वो इस नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगी। फिलहाल मैं आपको इसकी सिलेबस दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही में सिलेबस देख सकते हैं। फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाला आपका जो चैप्टर है, इसमें आपके 3 मेन टॉपिक्स हैं, साइडोफ्लिकल्स, कॉर्डियाटेल्स एंड बेनेटिटेल्स। तो ये 3 आपके मेन टॉपिक है इसमें। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में हिंदी मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ इस चैप्टर के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले ही आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ये नोट्स होने वाले हैं आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल। नोट्स लेने के लिए आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए विथ हाई रेजोल्यूशन। यदि आपको वीडियो क्लियर ना दिखे या फिर थोड़ी सी भी ब्लर दिखे और आपको ये पेज का जो पीडीएफ का पेज है इसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लें ताकि आपको ये पेज बिल्कुल क्लियर दिखे और आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सके फुल पेज का। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपको बस ये नोट्स को पढ़ना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लेने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। आपका फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाला पूरा चैप्टर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा बीएससी की एग्ज़ाम के लिए। अब ये यहाँ पर डायग्राम के नीचे जो जगह छूटी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ रह गया है, बल्कि यहाँ से आपका देखिए ये जो फ्लावर वाला टॉपिक था ये यहीं पर ख़त्म होता है और फिर आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, इसलिए इसे नेक्स्ट पेज से करा है। यानी ये बिल्कुल अलग टॉपिक जो इसमें है, 3-4 टॉपिक्स हैं आपके इस चैप्टर में मेन, तो उन मेन टॉपिक्स को मैंने अलग पेज से सेपरेट किया हुआ है, आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं राइटिंग कितने अच्छे तरीके से इन नोट्स को बनाया हुआ है, यानी राइटिंग में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लैंग्वेज बिल्कुल इजी यूज़ करी है मैंने, ताकि सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये नोट्स अच्छे से समझ में आ सकें। जब आप यूट्यूब पर बाकी चैनल्स को देखोगे, यानी कुछ चैनल्स ने नोट्स प्रोवाइड तो किए हैं लेकिन वो आपसे इसके पैसे लेते हैं नोट्स के, लेकिन मैं आपको ये नोट्स एकदम फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसलिए मेरा चैनल बाकी चैनलों से अलग है। मैं आपको बीएससी से जुड़े हुए सभी सब्जेक्ट्स के हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स प्रोवाइड करवाती हूँ। तो यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपकी बीएससी की स्टडी में। आगे आपको कुछ वीडियोस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर मिलेंगी, जो कि आपके बीएससी की हर सब्जेक्ट्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे जिन्हें आपको पढ़ना ही है। फिलहाल आप इन नोट्स को पढ़िए और इन नोट्स को पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए। इन नोट्स में आपको कहीं भी कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जो नोट्स बनाए हैं प्रॉपर बीएससी के लिए बनाए हैं, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है कि आप इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नोट्स जिस जिस यूनिवर्सिटी में फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाला चैप्टर है उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हेल्पफुल है, तो आप सभी इन नोट्स को पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी में इन नोट्स से मदद ले सकते हैं। कुछ बच्चे नोट्स लिखना चाहते हैं तो कुछ पीडीएफ चाहते हैं, इसलिए मैंने ये तरीका अपनाया है ताकि आप सभी यहाँ से स्क्रीन पर से देखकर स्क्रीनशॉट ले लें और फिर खुद से पीडीएफ बना लें या फिर खुद से इन्हें लिख लें, और आपको फिर इसमें कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। और पूरे एक बार पीडीएफ बनाने के बाद या फिर लिखने के बाद वीडियो को फिर से ज़रूर देख लेना और अपने नोट्स को मैच कर लेना या फिर अपनी पीडीएफ को मैच कर लेना, कि कोई भी पेज आगे पीछे ना हुआ हो, आपने सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हो। ये आपका लास्ट पेज था, यहीं पर आपका ये फॉसिल जिम्नोस्पर्म वाला पूरा चैप्टर कवर होता है। इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो दूसरी प्लेलिस्ट चेक करके वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।